इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फॉर्म निकला है CISF हेड कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी रिक्रूटमेंट 2022, जिसमें कुल पदों की संख्या 249 है और फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 20 दिसंबर 2021। दोस्तों, फॉर्म ऑफलाइन फॉर्मेट से भरा जाएगा, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो स्टेट कॉपी स्वसत्यापित करके डाक द्वारा भेजनी है। दोस्तों, आगे उम्र व पदों के नाम और फॉर्म कहाँ भेजना है, इसकी डिटेल्स मैं आगे आपको बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखें। नंबर एक, दोस्तों अप्लीकेशन फीस में सामान्य जाति, पिछड़ी जाति वो EWS अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क 100 रुपये और SC ST वो ऑल फीमेल कैंडिडेट का आवेदन शुल्क 0 है। दोस्तों, आवेदन शुल्क पोस्टल ऑर्डर अथवा डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भेजा जाएगा फॉर्म के साथ। और लास्ट डेट है दोस्तों, फॉर्म भरने की पहुंचने की लास्ट डेट है 31 मार्च 2022। उम्र 18 वर्ष से 23 वर्ष तक है। उम्र की गणना 1 अगस्त 2021 के अनुसार होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इंटर पास और साथ में स्टेट अथवा नेशनल का गेम सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और फिजिकल स्टैंडर्ड में मेल कैंडिडेट की हाइट 167 सेंटीमीटर व फीमेल कैंडिडेट की हाइट 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट 81-86 होनी चाहिए और ST कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट SC की ST की 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, हेड कॉन्स्टेबल GD का पे स्केल है 25,500 से 81,100। दोस्तों, गेम्स में एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल, जूडो, कबड्डी, शूटिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, ताइक्वांडो आदि अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल अब्लिक जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा 2021 लिखना अनिवार्य है। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म निकालने के लिए वेबसाइट है cisf.recruitment.in है, जिसमें ओपन करके आप आवेदन पत्र निकाल सकते हैं। दोस्तों, आवेदन पत्र व आवेदन शुल्क सभी खिलाड़ियों के अलग अलग पते पर भेजा जाएगा, वो पोस्टल ऑर्डर अथवा डिमांड ड्राफ्ट अलग अलग एड्रेस पे होगा। जैसे एथलेटिक्स का पोस्टल ऑर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट डिप्टी कमांडेंट DDO CISF CZ हेडक्वार्टर भिलाई, इस एड्रेस पे आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। और भेजने का एड्रेस है सिविक सेंटर भिलाई, पिन कोड 49006, ऑब्लिक SBI मेन ब्रांच, सेक्टर 1, भिलाई, कोड नंबर 03030। इसी तरह बॉक्सिंग का अलग एड्रेस होगा, आप ये नोटिफिकेशन देख लें। और बास्केटबॉल का अलग एड्रेस होगा, अलग अलग खिलाड़ियों का अलग अलग एड्रेस व अलग अलग नाम से बैंक ड्राफ्ट अथवा पोस्टल ऑर्डर बनेगा। एप्लीकेशन
फॉर्म भेजने का एड्रेस अलग होगा। धन्यवाद। और दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार है, फर्स्ट में आपका पोस्ट का नाम लिखना है, नंबर सेकंड में ब्लॉक लेटर में आपका नाम लिखना है, नंबर तीन में फादर्स नेम, नंबर चार में परमानेंट एड्रेस वो पोस्टल ऑर्डर, नंबर पाँच में, छठे नंबर में आपका राज्य लिखा जाएगा, सातवें में जेंडर मेल अथवा फीमेल जो भी यहाँ पे, सातवें नंबर में लिखेंगे, आठवें नंबर में धर्म लिखा जाएगा, नाइन्थ नंबर में डेट ऑफ बर्थ और घटा करके लास्ट डेट से घटा करके यहाँ पे कितने साल कितने महीने कितने दिनों के यहाँ पे लिखना है। नंबर 11 में एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है, 12 नंबर में फिजिकल स्टैंड में आपकी हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी है और बिना फैलाए वो फैला करके यहाँ पे लिखनी है, और वजन आपका कितना है सी नंबर पर यहाँ पर लिखना है। 13 नंबर पर आपका जो आप कौन से किससे बिलोंग करते हैं, जनरल EWS SC ST अथवा OBC यहाँ पर लिखना है 13 नंबर में। 14 नंबर में आप अगर हिलमैन हैं अथवा महिला हैं तो यहाँ पे 14 नंबर में लिखना है। 15 नंबर में नेम ऑफ गेम, जिस गेम से आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस गेम से आप आते हैं उस गेम का यहाँ पे नाम लिखेंगे 15 नंबर में। छठे नंबर में, 16वें नंबर में आपको जो जो फोटो स्टेट कॉपी लगानी है उनके सबके नाम लिखेंगे। 17 नंबर में आपका पोस्टल ऑर्डर का नंबर वो डेट और अमाउंट लिखना है। अगर आपने पोस्ट ऑर्डर बनाया है तो आपको ऊपर यहाँ पे लिखना है, अगर डिमांड ड्राफ्ट है तो ऊपर का छोड़ के आपको नीचे लिखना है नंबर, डिमांड ड्राफ्ट का नंबर और डेट, किस डेट को आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया है और कितने रुपए का, कितने अमाउंट का आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया है वो यहाँ पर लिखना है। और लास्ट में आपका डिक्लेरेशन में आपका नाम, आई जो भी आपका नाम है वो नाम लिखना है, फिर साइन, यहाँ पर साइन होंगे प्लेस जिस टाइम में आप रहते हैं वहाँ का, और डेट लिखनी है। OBC कैंडिडेट है तो आपको ये दूसरा वाला कॉलम भरना है। और एडमिट कार्ड के लिए आपका स्पोर्ट्स, अपना नाम, फादर्स नेम, पोस्ट लॉटरी, इसी तरह ये भरना है। और यहाँ पे एक फ़ोटो लगेगी दोस्तों, एक फ़ोटो यहाँ पे लगनी है, एक फ़ोटो ऊपर वाले फर्स्ट वाले में पेज में लिखेंगे लगाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, और भी जॉब संबंधी जानकारी के लिए मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।